नाम सोनिया जैन है और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज। आज मैं चलाने जा रही हूँ इंडियन की FTR 1200, जो नाम से ही जस्टिस कर रही है क्योंकि इसमें 1203 सीसी का इंजन है, 123 bhp, और क्या आप इसकी टॉर्क का अंदाजा लगा सकते हैं, 121 nm 6000 rpm पे, है ना कमाल की चीज। और चलाने में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, एकदम हमारी हिंदुस्तानी स्ट्रीट्स के लिए बनी हुई है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है इसका फ्रेम। आइए हम इसको गौर से देखते हैं अब। टटणे, इसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसी हम हिंदुस्तानी सड़कों पे चाहिए हमें, गुड ब्रेकिंग। इसका वेट जान के आपको हैरानी होगी, 221 किलो की ये मोटरसाइकिल ऐसे चलती है जैसे 100 किलो की भी ना हो। और क्योंकि इसके एरोडायनामिक्स और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने फ्यूल टैंक एकदम सीट के नीचे दिया गया है ताकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मजबूत रहे, एकदम सड़क से मक्खन की तरह चिपक कर चले। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फ्यूल टैंक एकदम इंजन के नीचे डाला हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगी ये बात, पूरी जगह का पूरा इस्तेमाल करा गया है। इसमें आगे 19 इंच और पीछे 18 इंच का टायर है जिसमें ब्रेम्बो ब्रेक्स दी गई हैं। चलाते हुए हमें मालूम चलेगा कि ये ब्रेक्स कितनी काम की हैं। और इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है ऑब्वियसली, जो कि हर हाइट के हिसाब से और दिल्ली की घातक सड़कों पे भी काफ़ी काम आ सकती हैं। जितने भी पॉट होल्स हैं, गड्ढे हैं, उनमें आसानी से निकल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चला के तो हमें ऑब्वियसली इसको काफ़ी मज़ा आएगा, I can't wait to ride it। इसकी LED headlamps देखिए, जो औरों की बाइक से काफ़ी ज़्यादा अलग है, अभी तक हमने शायद ऐसी LED lights एक मोटरसाइकिल में देखी नहीं है। सो ये काफ़ी गुड लुकिंग है। इसके इंडिकेटर्स, इसमें 17.1 लीटर फ्यूल आ सकता है। काफी बातें कर लिया मैंने और अब जिसका मुझे इंतजार था काफी दिनों से, आइए चलाएं इस बाइक को और दिल्ली की सड़कों का लुत्फ उठाएं, काफी मजे आने वाले हैं। ये स्ट्रीट बाइक्स चलाने का मजा ही कुछ और है, ऐसे ट्रैफिक में व्रूम व्रूम करके निकलना, क्योंकि बाकी जो क्रूजर बाइक्स होती हैं उनमें थोड़ा समय लगता है, जैसे कि मुझे लग रहा है इस जैकेट को पहनने में। लेकिन no bike riding without safety gear and helmet। आइए इसका सबसे यूनिक और मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर जो है वो इसमें दिया हुआ है, 4.3 इंच की स्क्रीन, पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये। इसमें हमें अलग से एक USB ड्राइव दी गई है जिसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें ब्लूटूथ डिवाइस से हम अपना सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन पर जाइए, ऐड डिवाइस करिए, ऐड डिवाइस, इससे हम अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे और आपके पास सारे के सारे कंट्रोल्स आप यहीं से कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे हो इसकी खासियत, तो मैं ये बाइक का स्क्रीन ग्लव्स पहन के इस्तेमाल कर रही हूँ, हाँ जी, चाहे बारिश हो धूप हो, मैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर सकती हूँ ग्लव्स पहन के, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
काफ़ी ज़रूरत थी हमें इस फैसिलिटी की, इस टेक्नोलॉजी की. इस बाइक में तीन मोड्स हैं, रेन मोड, स्टैंडर्ड मोड, स्पोर्ट मोड. अगर रेन हो रही होती तो मैं आपको रेन मोड में चला कर दिखाती, वो मेरा भी फेवरेट मोड है, तो काफ़ी हमें मज़ा आता. आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक कनेक्ट कर सकते हैं ऐड डिवाइस कर कर. अभी नहीं करेंगे हम. और ये इसका स्पीडोमीटर, तीनों चीज़ें, फ़ोन, म्यूज़िक, स्पीडोमीटर, रेन मोड, स्टैंडर्ड मोड, स्पोर्ट मोड, ट्रैक, ABS. क्या नहीं है इस बाइक में, क्या नहीं है. और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो हम नहीं करेंगे. हम क्यों करेंगे टॉप स्पीड की बात, हम लोगों को कहना ही नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाइए. इसकी फ्यूल कैपेसिटी 17 लीटर है, तो आप आराम से 100-200 किलोमीटर तो चला ही सकते हैं बाइक. अब आप 100-200 मीटर के बाद इसकी एवरेज कैलकुलेट करने मत बैठना, क्योंकि 1200 cc इंजन की मोटरसाइकिल पे आप एवरेज नहीं जान सकते, आप सिर्फ और सिर्फ बाइक की परफॉर्मेंस जान सकते हैं. देखिए इसमें क्रूज कंट्रोल है पूरा, इंडिकेटर्स, क्रूज कंट्रोल मोड पे. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं काफ़ी हद से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बाइक को लेके. इसमें 1203 cc का लिक्विड कूल इंजन है, जिसमें डुअल मफलर है. हालांकि काफ़ी स्पोर्ट्स बाइक में ये देखा जाता है, तो अगर आप डुअल मफलर के फ़ैन हैं तो ये बाइक आपके लिए काफ़ी सही रह सकती है. ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी का ज़बरदस्त है, आप आराम से इसको 4th-5th गियर पे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है. 6-speed इंजन ट्रांसमिशन के साथ 6 गियर हैं इस बाइक में. अभी तक आपने सुना होगा कि गाड़ियों में 6 गियर होते हैं, अब बाइक में भी 6 गियर आने लगे हैं. आजकल ऑलमोस्ट सारी सुपर बाइक्स में 6 गियर आने लगे हैं, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें 1203 cc की पावर दी जाएगी तो 6 गियर तो चाहिए ना सारी पावर निकालने के लिए बाइक से. काफ़ी कंफर्टेबल है ये बैठने में, काफ़ी स्ट्रीट लाइक स्टाइल है इसका बैठने के लिए. और सबसे अच्छी बात है कि ये मेरी बैक के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसकी शोल्डर स्पेस भी काफ़ी अच्छी है. तो यूजुअली जैसे सुपर बाइक्स में शोल्डर पे वेट पड़ता है, इस पर मेरा शोल्डर पे कोई वेट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रीट स्मार्ट बाइक है ये, फाइनली जो हमारे इंडियन रोड्स को चाहिए, इंडियन ने बनाई हुई. तो शायद छोटी सी, छोटी हाइट वालों के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े, बट मेरे लिए एकदम परफेक्ट है. काफ़ी मज़ेदार बाइक है ये, मज़ा आएगा. और इसकी सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात यह है कि मैं डेली चला सकती हूँ इसको, ट्रैफिक में चला सकती हूँ, ऑफिस जाने के लिए चला सकती हूँ, शॉपिंग जाने के लिए चला सकती हूँ. डेली बाइक, पावरफुल बाइक, 1200 cc की स्ट्रीट के लिए. मगर एक प्रॉब्लम जो मोस्टली सारी की सारी बाइक्स में होती है वो ये है कि जब हम ट्रैफिक लाइट में रुकते हैं 60 सेकेंड से ज़्यादा, तो ये थोड़ी सी हीट अप होनी शुरू हो जाती है यहाँ पे. और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम फर्स्ट या सेकेंड गियर पे चलाते हैं, अगर हम 3rd या 4th गियर से थोड़ा ज़्यादा चलाएंगे तो ये कम हीट अप होगी. सब ओवरटेक करते जा रहे हैं मुझे, सब. ज़्यादा देर के लिए नहीं, काफ़ी ईजी मैनूवरेबिलिटी है इसकी. इसकी राइडिंग पोजीशन भी काफ़ी ईजी है, हालांकि यूजुअली काफ़ी क्रूज़र बाइक्स में एकदम लेड बैक होती है या एकदम स्ट्रेनियस होती है. एकदम स्पोर्ट्स पोजीशन नहीं है, एकदम काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन, लाइक एनी अदर स्ट्रीट बाइक. ना मेरे कंधों में दर्द, ना शोल्डर में प्रेशर, बैक स्ट्रेट रखकर हम इसको काफ़ी आराम से चला सकते हैं. हमें ऐसे लेट बैक भी नहीं चलाना है, रेसिंग की तरह भी नहीं, प्रॉपर स्ट्रीट बाइक. इसको खासकर ध्यान में रखा गया है कि दिल्ली की सड़कों पे या हिंदुस्तान की सड़कों पे हम इसको अच्छे से चला सके बिना किसी तकलीफ के. तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने में. तो
जैसे कि मैंने सोचा था मुझे चलाने में इसको उतना ही ज़्यादा मज़ा आया. छोटी सड़कों पे, कंजस्टेड सड़कों पे काफ़ी आसानी से मैंने इसको मनूवर कर लिया. सिर्फ और सिर्फ एक दिक्कत कह सकते हैं इस बाइक में होगी, जो कि बाकी सारी स्पोर्ट्स बाइक में मोस्टली आती है, वो ये है कि ये थोड़ी सी हीट अप होती है फर्स्ट और सेकेंड गियर में. और होगी क्यों नहीं, 1203 सीसी की पावर है इसमें. निकलने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो जैसे ही आप थर्ड और फोर्थ गियर में आएंगे तो आपको ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी. लेकिन काफ़ी चलाने में मज़ेदार है. इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, लेकिन अगर आप स्पीड में रहेंगे, अगर आप ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अच्छे राइडर हैं, तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल सही है. लेकिन मैं बिगिनर्स को नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि पहले आप छोटी बाइक से शुरू करिएगा, उसके बाद 1203 सीसी पे आइएगा. तो कैसा लगा आपको आज का ये सेगमेंट? आज की तरह काफ़ी और बाइक और हर प्रकार की मोटरसाइकिल गाड़ियों के लिए बने रहिए पत्रिका.com पे. मैं हूँ सोनिया जैन. थैंक यू सो मच. नमस्ते. हैव अ नाइस डे.